अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंस्पेक्टर कुटिया कुमार के होते हुए फवारा चौक में इतनी अशांति फैल रखी, ये क्या हालत कर रखी है इनकी, ये क्या चल रहा है यहाँ? पूछिए उनसे, पूछिए उस औरत से, पूछिए, देखिए क्या हाल कर रखा है मेरा इंस्पेक्टर साहब। अरे मौत से भी बदतर दर्द दिया इस औरत ने मुझे। ये कोई वैक्सीन लगाते मर्द को? इधर देखिए, ये देखिए, इतना ही नहीं, ये देखिए भड़का, उस तरह से वार करने की कोशिश की है, एक दो तो अंदर भी है। बस पापा, छूना नहीं बेटा, हल्की हल्की हवा भी चलती है ना, चीख निकल जाती है। इतना ही नहीं, मेरे दुकान पर कब्जा कर रखा है इस माँ बेटी ने। क्या क्या क्या, ओह माय गॉड, मेरे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये दोनों आपकी बच्ची हैं? हाँ। अरे कमाल, मतलब कैसे? आपकी त्वचा से ना पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है आपका वोटर आईडी कार्ड कल ही बन के आया होगा। थैंक यू सर। एक सिंगल मदर के लिए ना बहुत मुश्किल होता है ये दोनों बच्चियों को और अपना बिजनेस संभालना, और इसको देखिए। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं भी सिंगल फादर हूँ। तो जाके वहां बैठ, कमजोरों की तरह रो क्या रहा है, चल हट। ये दुकान मेरी है कुटिया जी। ए क्या 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 क्या, कौन 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 सा जी? कुटिया जी, कु टी या, हाँ या, वही कुटिया। ये दुकान मेरी है इंस्पेक्टर साहब, ये दुकान मेरी है। इसने कब्जा कर रखा है। इसने कब्जा किया है? अरे एक मिनट यार, दुकान के कागजात होंगे, पहले वो दिखाओ। दिखा बेटा। हाँ, दिखा। ये देखिए कहाँ रखा था, ये कहाँ रखा था, मोड़ मार के, ये देख कितने समय कैसे रखते कोई अखबार है ये? अरे देखिए पहले, ये देखिए। अरे एक मिनट, चार ही आंखें मेरी, आठ ही हाथ है, कैसे पढ़ूंगा मैं? देखिए कागजात तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, मतलब ब्रोकर ने आप दोनों से पैसे ले रखे हैं। हाँ। नहीं नहीं, एक मिनट यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तुम दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये दुकान किसकी है, तो अपन लोग पे छोड़ दो, अपन लोग फुवारा चौक वाले डिसाइड करके बता देते हैं कि दुकान किसकी है। तो भी हो, बताओ फुवारा चौक वासी हो, ये दुकान किसको मिलनी चाहिए? सुंदर, सुशील, फूल जैसी लचक वाली रमा जी और उनकी दो सुंदर बेटियों को, या फिर इनको? सिर्फ इनको? रमा जी। चुप करो जी, चुप। अरे पापा, फुवारे चल गया पापा। अरे नया यहाँ पे, और कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, टेंशन ना, बोले बंद हो गया। तू भी बंद हो जा। हाँ, मैं क्या कह रहा था इंस्पेक्टर साहब, हुस्न और टैलेंट की जंग में हमेशा जीत हुस्न की हुई है। वाह है, अब इनके वोट पाने के लिए मैं स्कर्ट तो नहीं पहन सकता जी, इसीलिए आप ही कुछ कर लीजिए। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो पूरा मैटर है ये लफड़े के अंदर आता है, तो इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ जाएगा कोर्ट। नमस्ते, मैं हूं संजना भन्नाट न्यूज से। मशहूर स्कैमर पप्पी फरार एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। फव्वारा चौक में एक ही दुकान के पैसे दो लोगों से लेकर उन्हें दुकान बेच दी और हो गया इंडिया से फरार। ये देखिए, यही है पप्पी फरार। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता
तब तक आधे दुकान में आप कैफे चला सकते हैं और आप सलोन। अरे हट, इससे अच्छा जजमेंट तो हमारे गांव की औरत लोग कर लेती है। वो कहा है ना, लड़की लड़का जब सड़क पे जा रहे होते हैं ना, तो हमारे गांव की औरत लोग देख के तुरंत ही जजमेंट दे देती है कि ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है या उसका पति। ई का हुआ, एक बार जज ने हथौड़ा मारा और जो बोल दिया वो हो जाएगा का नहीं, काहे का जजमेंट। और हाँ, एक बार हथौड़ा मारा तो हो गया क्या, और इनका जो हथौड़ा रोज रोज चलेगा उसका क्या होगा। हमारे फुआरा चौक का हम तो सोच सोच के घबरा रही है, क्या होगा, काहे घबरा रहे हम, का पता नफरत का हथौड़ा चले ही ना, प्यार से रहे सब लोग, मिलके रहे, इनको मजा आए। वो कहा है ना भैया, अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होगा। हे फुआरा देवी, माधुरी दीक्षित का मेकअप कर करके मैंने नई दुकान खोल डाली। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पार्लर इतना चले कि टकले भी विग लगा के मेरे यहाँ बाल कटवाने आ जाए। मैं क्या कह रहा था फवारा देवी, वो आपका आशीर्वाद बस हम पर बरसाते रहिए ताकि हमारा जमा जम कैफे जम जमाता रहे और हम कमाता रहे, समझ रही है ना। आग पड़ी क्या छिछोरा कहीं का पुतले को भी नहीं छोड़ता है। चलो चलो आप बोले यार, पापा बड़े हो जाओ अब तो। हेलो अरे भैया कैफे खुला है, नया आ जाना कभी भी। आई 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 अरे बच्चा बढ़िया पिज्जा पास्ता लसानिया सब रंगीन है यार। फवारा चौक, हाँ फवारा चौक। वाह भैया वाह, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा निकला, बहुत इंटरटेन हुए मैं भी और आप लोगन भी, सही कहा ना। लेकिन ऊ चश्मे वाले चूहे ने का उछल कूद मचा रखी थी, एक ही दुकान दो लोगन को बेच गया। लेकिन एक बात है, पूरा दिन बहुत मजेदार निकला फुआरा चौक में, हमको तो बहुत मजा आया, बहुत इंटरटेन हुए। बस कल का दिन आशा करते हैं कि कल का दिन भी अच्छा जाए, और हाँ अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होगा, और क्या पता बुरा भी हो जाए। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।